अल्लाह फरमा रहा है कि मैंने अपना नुमाइंदा भेज दिया हिदायत देकर दीन हक देकर, क्यों? ताकि मेरे दीन को दुनिया के तमाम अदियान पर गालिब करे। बस थोड़ी तमहीद है, यही मुश्किल है। जब नतीजा दूंगा इंशाल्लाह मिराज पे मिराज होगी। अल्लाह फरमा रहा है हुवल्लज़ी, अल्लाह वो है, अरसला रसूलहू बिलहुदा, जिसने अपना नुमाइंदा भेजा बिलहुदा, बिलहुदा हिदायत देकर भेजा, तो पता चला अल्लाह जिसे हिदायत देकर भेजे उसे इज़ियान नहीं होता। और नहीं कर रहा, और नहीं कर रहा है। दीन हक, दूसरी बात अल्लाह आयत में कर रहा है कि मैंने जिस नुमाइंदे को भेजा है उसे दीन हक दिया, तो इसका मतलब ये हुआ आम दीन और है, दीन हक और है। दीन हक कौन है? अब नबी की हदीस पढ़ना चाहता हूँ। नबी फरमाते हैं अल हक्कु मा अली। नहीं नहीं, तवज्जो नहीं, जश्न की रात है, जश्न का माहौल बनाइएगा। अल हक्कु मा अली व अली मा अल हक, हक अली के साथ है, अली हक के साथ है, तो पता चला दीन हक वही दीन है जिसके उसूल में भी अली है, जिसके फरू में भी अली है। और अल्लाह ने क्यों